हेलो फिजोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए जापनिक बीएल ड्रामा मास्ट्रोबेरी फिल्म का सेकंड एपिसोड लेकर आई हूं। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू माय वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिकारू को वीडियो वाली लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। उस लड़की को ढूंढने में हिकारू के दो रियो और चीका भी मदद करते हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि चीका को बहुत पहले से ही पता था कि रियो के मन में हिकारू के लिए कुछ तो ज़रूर है, पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर रहती है क्योंकि वो रियो को पसंद जो करती है। चीका उस दिन को याद करने लगती है जब वो फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी। उस समय वो रियो को सिर्फ दूर से ही देख पाती थी। रियो कहीं पे भी रहता, हिकारू हमेशा उसके साथ ही उसे दिखता था। कुछ समय के बाद चीका और रियो एक ही क्लास में पढ़ने लगते हैं। इतने दिनों में उसने नोटिस किया होता है कि रियो को खिड़की के पास बैठना पसंद है, वो बस उसे दूर से ही देखकर खुश होती है। एक दिन हिम्मत करके चीका रियो से बात करने ही लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि बात कहाँ से शुरू करे, इसलिए वो रियो से मैथ के होमवर्क के बारे में पूछती है कि उसने होमवर्क किया कि नहीं। उसे तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लग रहे थे। रियो वैसे भी ज़्यादा बोलता नहीं, इसलिए जब एक लड़की उससे बात करने आती है तो वो बस हाँ में ही जवाब देता है। चीका को ऑकवर्ड फील होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी रियो उससे पूछता है कि क्या उसे मैथ के होमवर्क में उसकी मदद चाहिए। चीका बहुत खुश होती है कि उसने पहली बार रियो से बात की। वो रियो से हाँ कहती है और उसे मदद करने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। उस दिन क्लास में जब हिकारू रियो से पूछ रहा होता है कि रियो को कभी प्यार हुआ है कि नहीं, तब चीका भी वहीं होती है। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ रहती है पर उनकी बातें सुनते रहती है और सोचती है कि उसे पहले से ही सब पता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चीका जब स्टोर रूम में आती है तो देखती है कि रियो वहाँ की साफ सफाई कर रहा है और थोड़ी स्पेस बना रहा है। चीका भी उसकी साफ सफाई में मदद करने लगती है। अब वहाँ पर उनके बैठने की अच्छी खासी जगह हो जाती है। चीका को आलमीरा के ऊपर कुछ कैसेट्स दिखते हैं, उसे वो उतार नहीं पा रही होती, इसलिए रियो उसे उतारने में चीका की मदद करने लगता है। अब कैसेट वहाँ होते इसलिए रियो आसपास प्लेयर ढूंढने लगता है, चीका भी उसकी मदद करने लगती है। इसी बीच चीका रियो से पूछती है कि क्या वो हमेशा हेडफोन पहने रहता है, उसमें कोई स्विच भी रहती है। रियो बताता है कि मिनीकॉन स्विच है जो म्यूजिक बनाने की मशीन होती है। आगे चीका उसे पूछती है कि क्या उसे म्यूजिक पसंद है। रियो हाँ बोलता और कहता है कि म्यूजिक उसके लाइफ का हिस्सा है। तभी चीका को रिकॉर्ड प्लेयर मिल जाता है। हालांकि उसे प्लेयर के बारे में पहले से ही पता रहता है, पर वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो पहली बार रिकॉर्ड देख रही है और इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, ताकि वो रियो से और बातें कर सके। रियो चीका से कैसेट लेकर प्लेयर में रखकर चलाने की कोशिश करता है। चीका कहती है कि वो ऐसी म्यूजिक प्लेयर पुराने फिल्मों में देखती थी। प्लेयर पुराना तो रहता है पर वो अच्छा खासा काम करने लगता है। चीका रियो से पूछती है कि वो किस तरह के गाने बनाता है, वो भी उसके गाने सुनना चाहती है। रियो हिकारू को ही सिर्फ अपने गाने सुनने देता था, पर आज वो चीका को भी खुद के बनाए अपने गाने सुनाता है। चीका को गाने बहुत पसंद आते हैं। चीका को आइडिया आता है कि क्यों ना रियो के गाने को हिकारू के वीडियो में ऐड किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। वो चाहती है कि जब रियो भी इतना अच्छा गाना बनाता है तो वो गाना सब सुने और हिकारू भी इससे खुश होगा। रियो को आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। वो वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप लेने घर जाने लगता है। जाने से पहले वो चीका से पूछता है कि वो अकेले यहाँ रह तो लेगी ना। चीका जब हाँ बोलती है तो रियो वहाँ से चला जाता है। रियो को हिकारू के इतने पास देखकर वहीं रुक जाती है। रियो हिकारू को टच करने जा ही रहा होता है कि गलती से चीका आवाज़ कर देती है। इससे पहले रियो से देखता वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हिकारू भागकर रियो को पैम्पलेट दिखाने आता है जो उसने वीडियो वाली लड़की को ढूंढने के लिए बनवाया होता है। बेचारा हिकारू सिर्फ 20 ही कॉपी निकलवा पाता है क्योंकि वो काफ़ी महंगी थी। चीका भी वहाँ आ जाती है। हिकारू उसे भी पैम्पलेट दिखाने लगता है। चीका को पैम्पलेट के जरिए उस लड़की को ढूंढने का
मेरा आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा तो वो लोग अपने फ़ोन का यूज कर लेते। चीका हिकारू से उसका फ़ोन मांगकर उसके ही सोशल मीडिया के आईडी में उस लड़की की फ़ोटोज़ अपलोड कर देती है, क्योंकि सोशल मीडिया में हिकारू के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो उस लड़की की फ़ोटो भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। कुछ समय पहले हिकारू की डांस वीडियो भी सेमी वायरल हुई थी, पर हिकारू को उस वीडियो के बारे में तो याद तक नहीं होता। उसके बाद सभी लोग अपने क्लास में चले जाते। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो लोग उसी स्टोर रूम में जिनको उन लोगों ने अपना अड्डा बना लिया होता है वहाँ जाते हैं। रियो उस लड़की की वीडियो एडिट कर रहा होता है और उसमें अपना म्यूजिक डालता है। रियो हिकारू को भी वीडियो एडिट करने सिखाने लगता है। उन दोनों को साथ में देखकर चीका को अच्छा नहीं लगता है। जल्द ही वीडियो एडिट होकर रेडी हो जाती है। चीका और हिकारू दोनों रियो की और उसके गाने की तारीफ करते हैं। चीका को रियो की तारीफ करता देख हिकारू उससे पूछता है कि क्या वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो पहले से ही चीका को बता देता है कि उसके परमिशन के बिना वो रियो के साथ डेट पर नहीं जा सकती है। दोनों हिकारू की बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी चीका को फ़ोन पर मैसेज आता है कि अभी उसे अपने क्लब एक्टिविटीज़ के लिए जाना होगा। वो उनको वीडियो अपलोड करने का काम देकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रिया और हिकारू भी घर जाने लगते हैं। हिकारू को उम्मीद होती है कि अब तो वो उस लड़की को ढूंढ ही लेगा। रियो उससे पूछता है कि अगर हिकारू उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तब वो क्या करेगा। हिकारू ने इस बारे में सोचा ही नहीं होता है तो वो रियो को क्या ही जवाब दे। अगले दिन मात्सुका मैम रियो और हिकारू को क्लास में पढ़ा रही होती है। जब वो रियो और हिकारू को पढ़ाई के बजाय बातें करते हुए देखती है तो वो रियो को बुलाकर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कराने लगती है। ब्रेक के दौरान तीनों लोग बैठकर वीडियो देखने लगते हैं। वीडियो अच्छी खासी वायरल हो चुकी होती है, लोगों के कमेंट्स भी आने लगते हैं। ये देखकर चीका को भी ताजुब होने लगता है कि क्या वो लड़की कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है जो हिकारू को फॉलो कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसी की वजह से ये वीडियो वायरल जा रही है। हिकारू को इतने नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उसके फ़ोन की बैटरी चली जाती है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्कूल के बाद चीका स्टोर रूम आती है जहाँ पर रियो तो होता है पर हिकारू नहीं होता। चीका रियो को प्लेयर चलाना सिखाने को बोलती है। रियो से प्लेयर चलाकर दिखाता। उसके बाद चीका रियो को हिकारू की डांस वीडियो दिखाती जो वायरल गई थी। वीडियो देखकर दोनों हंसने लगते हैं। रियो को नहीं पता था कि हिकारू डांस भी कर सकते हैं। चीका हिकारू का मजाक उड़ाती है कि हिकारू की वीडियो वायरल गई है और उसे इस बारे में पता भी नहीं है। चीका कहती है कि क्लूलेस होने के बावजूद हिकारू बहुत काइंड है, उसके बहुत क्यूट मूवमेंट्स भी है और वो लड़कियों में भी पॉपुलर है। चीका रियो के लिए भी कहती है कि वो भी लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर है, पर रियो कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन सब पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन स्कूल में अचानक हिकारू को एक लड़की दिखती है जो दिखने में वीडियो वाली लड़की की तरह लग रही होती है। रियो भाग कर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फाइनली हिकारू जिस लड़की को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था वो उसके सामने आ ही जाती है। चीका को भी यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने उस लड़की को ढूंढ ही लिया। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये होती है कि आज से वो लड़की उन्हीं के क्लास में पढ़ने वाली है। वो लड़की पूरे क्लास के सामने खुद का मिनामी नाम बताकर इंट्रोड्यूस करती है। हिकारू बस मिनामी को ही देखे जा रहा होता है और रियो की नज़रें हिकारू पर ही होती है और चीका रियो को देखते रहती है। उसे भी पता चल गया था कि अब से उनकी लाइफ बदलने वाली और इस तरह एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही हो। अगर आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।